जैन समाज के सभी सम्मानित अग्रगणी सज्जनों, माताओं बहनों, मंच पर बैठे हुए सभी सम्माननीय बंधुओं, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया और मेरे विचार आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया। मैं उन सब साथियों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में परिश्रम किया और मेरे विचार आप तक पहुंचे उसके लिए काफी अच्छी सुंदर व्यवस्था यहां पर की। शाकाहार के बारे में, स्वदेशी के बारे में और पशुधन के बारे में, इन तीन विषयों पर मुझे आपसे कुछ कहना है। स्वदेशी अपनाओ, शाकाहार अपनाओ, पशुधन बचाओ, इस तरह की बातों पर मैं आपसे कुछ मेरे विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे विचार सुनने के बाद अगर आप में से कुछ लोगों के मन में कुछ प्रश्न पैदा हो, कुछ आपके मन में जिज्ञासा पैदा हो, तो मैं 1 घंटे 30 मिनट का व्याख्यान करूंगा और 30 मिनट आपको प्रश्न पूछने का, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए रखूंगा। तो आप में से किसी भी व्यक्ति को कोई प्रश्न आता हो तो जरूर पूछ सकते हैं। व्याख्यान के बीच में ना पूछें, व्याख्यान पूरा होने के तत्काल बाद आप चाहें तो अपना प्रश्न किसी कागज पर नोट करके रखें, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि सिर्फ व्याख्यान करके मैं चला जाऊं और आप सुनकर चले जाएं, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप भी कुछ पूछें या आपके पास मुझे देने के लिए कोई सूचना हो तो वो जरूर दें। हमारा देश भारत, जिसमें हम रहते हैं, इसकी कुछ खासियत है, कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं। दुनिया में भारत जैसे कई देश हैं जिनकी कुछ दूसरी तरह की विशेषताएं हैं और उन देशों की विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको मिल सके, उस दृष्टि से थोड़ी बातें व्याख्यान के पहले कहना चाहता हूं। हमारे देश में सनातन मूल्य रहे हैं कुछ, उनमें से अहिंसा सबसे मुख्य है। अहिंसा का जो मूल्य रहा हमारे जीवन में वो हजारों साल पुराना है। महावीर स्वामी जब हुए, उन्होंने जो अहिंसा की बात कही, उसके बाद पता नहीं कितने ऋषि मुनि आए होंगे जिन्होंने अहिंसा की बात कही। अहिंसा का सतत चलने वाला जो जीवन मूल्य है हमारे देश में, वो कहां से आया, इस एक छोटे से विषय पर मैंने कई जैन संतों के साथ सत्संग किया है। मेरा सद्भाग्य है कि मुझे जैन संतों का बहुत सानिध्य मिला। मेरा जन्म जैन परिवार में नहीं हुआ है, लेकिन कर्म मेरे सभी जैन है और कर्म से मैं अपने आप को जैन इसलिए मानता हूं कि आप जिन नियमों का पालन करते हैं, लगभग उतने सभी नियमों का पालन मैं मेरे जीवन में करता हूं। हमेशा ही गर्म पानी पीता हूं, कभी ठंडा पानी नहीं पीता। पिछले 6 वर्षों में कभी मैंने ठंडा पानी नहीं पिया, पानी को हमेशा गर्म करके और गर्म भी गुनगुना गर्म पीता हूं, गरम को ठंडा करके नहीं पीता। कभी मांसाहारी भोजन नहीं करता, 2 वर्ष यूरोप में रहा तो भी कभी मैंने मांसाहारी भोजन नहीं किया। और मांसाहारी तो छोड़ दीजिए, अभी लोग कहते हैं ना वेजिटेरियन, तो यूरोप में कई जगह मैं ये सुनता था, वो कहते थे कि एगिटेरियन होने में कोई फर्क नहीं, वो कहते हैं कि एगिटेरियन होना माने वेजिटेरियन होना, लेकिन मैं एगिटेरियन भी नहीं हूं, माने अंडा भी नहीं खाता, अंडे को कभी हाथ भी नहीं लगाया। जीवन में जितना बन सकता है उतना संयम से जीने की कोशिश करता हूं और अपरिग्रह का सिद्धांत मैंने मेरे जीवन में उतारा है, किसी को भाषण में नहीं कहता। मेरे पास अपनी कोई मिल्कियत नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, ना कोई बैंक अकाउंट है, ना मेरे पास कोई घर है, ना मेरे पास कोई परिवार है और बनाने की संभावना भी नहीं है। तो अपरिग्रह का जो सिद्धांत मैंने जैन संतों से सुना है उसको मेरे जीवन में उतारा है। संपत्ति के नाम पर मेरे पास सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े हैं, वो भी खादी के, जो आप मैं पहने हुए खड़ा हूं, और एक मेरे पास ये पेन है, ये मेरी संपत्ति है, और एक जोड़ी चप्पल। अब इससे ज्यादा शायद कुछ और कर पाऊं तो अगली बार आके मैं कह सकूं। तो जैन दर्शन के जो नियम है उनका आचरण अपने जीवन में करने की कोशिश करता रहा हूं और ये आचरण मुझे जो मिला मेरे जीवन में करने के लिए, वो जैन संतों की इसमें काफी प्रेरणा रही है, काफी उनका सानिध्य मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता रहा है। तो ऐसे बहुत सारे संतों के बीच में बैठने का, उनके व्याख्यान सुनने का, उनके व्याख्यानों पर लगातार सोचने का, उनसे प्रश्न करने का बार बार मुझे मौका मिला।
मैंने बहुत सारे जैन संतों के जब प्रवचन सुने तो मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि सभी जैन संत अहिंसा की बात कहते हैं और ये भी बताते हैं कि अहिंसा का जो मूल्य है वो हजारों वर्ष पुराना है। तो एक बार मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हो गई कि भारत जैसे देश में ये अहिंसा का जीवन मूल्य आया कहां से। अभी हम सब मानते हैं कि महावीर स्वामी ने अहिंसा की बात कही, हो सकता महावीर स्वामी के पहले के भी जो बड़े तीर्थांकर हैं उन सब ने भी अहिंसा की बात कही, उनके भी पहले हो सकता है किसी ने अहिंसा की बात कही होगी। माने भारत की सनातन परंपरा में अहिंसा एक मुख्य तत्व है, उसी के साथ सत्य एक दूसरा तत्व है, अपरिग्रह भी एक तीसरा तत्व है। तो एक बार मेरे मन में प्रश्न हुआ, जिज्ञासा हुई कि ये आखिर आया कैसे। मैंने दुनिया के कई देश देखे हैं, उम्र मेरी बहुत छोटी है लेकिन दुनिया के कई देशों को मैंने देखा, यूरोप के देशों को बहुत नजदीकी से देखा है। तो वहां मैंने ऐसा कोई जीवन मूल्य नहीं देखा जो सनातन हो। यूरोप के जितने भी देशों में मैं घूमा वहां मुझे एक ही बात लगती थी, किसी भी मूल्य के बारे में वहां मैं चर्चा करता था वहां के फिलोसोफर्स के साथ और पूछता था कि ये कितना पुराना है, तो वो कहते 200 साल पुराना, कोई कहता था 50 साल पुराना, कोई कहता था 500 साल पुराना। कभी भी मुझे यूरोप में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, बड़ा थिंकर, पॉलिटिकल फिलोसोफर या ओपिनियन बनाने वाला कोई व्यक्ति जिसने ये कहा हो कि ये जीवन मूल्य हमारा 2000 साल पुराना है या 3000 साल पुराना है या 5000 साल पुराना। तो मेरे मन में एक बार ये जिज्ञासा आ गई कि भारत में ये जो जीवन मूल्य हैं सत्य के, अहिंसा के, ये कितने पुराने हैं कोई कह नहीं सकता। हो सकता है लाखों वर्ष पुराने हो सकता है करोड़ों वर्ष पुराने हो सकता है जब से भारत का जन्म हुआ हो तब से ये सारे जीवन मूल्य हों। तो प्रश्न मन में आया कि ये आया कहां से। एक बार मेरे मन में बहुत चिंतन आया कि ये अहिंसा कहां से आई हमारे जीवन मूल्य में, इसके पीछे जरूर तो कोई कारण रहा होगा अहिंसा के आने का। इस प्रश्न को लेकर बहुत सारे जैन संतों के बीच में गया, उनसे प्रश्न किए, वार्ता की, विवाद किया, उनसे समझने की कोशिश की, अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश की, शास्त्रों का भी काफी कुछ अध्ययन किया। तो उस अध्ययन में से एक दो बातें जो निचोड़ के रूप में मैं समझ पाया वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक बात तो मेरे समझ में ये आई कि हमारे जीवन में अहिंसा की प्रधानता कैसे हाई होगी, उसका एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, और भी कारण हो सकते हैं, वो कारण मुझे ये लगता है कि हम सब जितने भी लोग यहां बैठे हैं इस परिसर में, हम सब पुनर्जीवन में मानने वाले लोग हैं। हम सब मानते हैं कि बार बार जन्म मिलता है, लेकिन इतना भी मानते हैं कि मनुष्य का जन्म बड़े मुश्किल से मिलता है। जिन्होंने पूर्व जन्म में कोई बहुत पुण्य किए होंगे उनको ही मनुष्य जीवन मिलता है, और उन कर्मों में भी कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो किसी अच्छे धर्म में जन्म मिलता है, और उससे भी ज्यादा कोई पुण्य कर्म किए होंगे कि तो किसी अच्छे गुरु का आशीर्वाद मिलता है, सानिध्य मिलता है। तो हमारे कुछ पुण्य प्रताप रहे होंगे जो परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे व्यक्ति का सानिध्य आप सबको मिला है। मैं तो अभी तक तरस रहा हूं उनके सानिध्य के लिए, मैंने आज तक उनका वंदन नहीं कर पाया, ये मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूं। उनके बहुत सारे शिष्यों का वंदन मैंने किया है लेकिन उन तक मैं आज तक नहीं पहुंच पाया, मेरी बड़ी तीव्र इच्छा है, शायद इस बार चातुर्मास में मेरा संकल्प है वो पूरा हो जाए कि उनका जहां भी चातुर्मास होगा मैं सब काम छोड़कर वहां जाने वाला हूं। तो ऐसे जैन संतों के, पवित्र लोगों के, तेजस्वी लोगों के मुंह से जो कुछ मैंने सुना, उन्हीं के एक शिष्य के मुंह से मैंने जयपुर में सुना, विद्यासागर जी के शिष्य एक हैं, तो उनसे मेरी एक बार लंबी चर्चा हो रही थी इसी के बारे में, अहिंसा के प्रश्नों पर, इन सब प्रश्नों पर। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम सब पुनर्जन्म में मानते हैं। मैंने कहा हाँ हम मानते हैं। तो उन्होंने कहा इसी में से ये निकला है। तो फिर मैंने इस विषय पर जब सोचना शुरू किया, एक दिशा मिली कि पुनर्जन्म में से निकला है तो ये कैसे निकला होगा, तो बात समझ में आई कि पुनर्जन्म होता है, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, ये भी हम मानते हैं कि पुनर्जन्म में मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत पुण्य किए हैं तो मुश्किल से मिलता है, और ऐसा भी माना जाता है तो करोड़ों योनियां होती, लाखों योनियां होती है, माफ करिए 84 लाख योनियों की कुछ बात की जाती है, उसमें से मनुष्य एक योनि है, उसमें से हमें जन्म मिलता है। उन 84 लाख योनियों में चींटी भी है, मक्खी भी है, मच्छर भी है, छिपकली भी है, सांप भी है, मेढक भी है, गाय भी है, बैल भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, सभी तरह के जीव जंतु जो पूरी दुनिया में या प्रकृति पर हो सकते हैं। तो हमको ये जो मनुष्य जीवन मिला तो पुराने कर्मों के सिद्धांत के आधार पर मिला। अब हमने ऐसा माना हमारे जीवन में, हमारे दर्शन में, कि ये जो पुनर्जन्म है वो बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म आएगा,
और मनुष्य जन्म में कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगला जन्म भी हमको मनुष्य जन्म मिले, ऐसे कुछ काम करने चाहिए। अब जब हम ये मानते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसी में से एक बात निकलती है कि अगर हमने कर्म खराब किए तो हमारा मनुष्य जन्म अगली बार हो सकता है बदल जाए। खराब कर्म के आधार पर हो सकता है अगला जन्म चींटी का मिल जाए, अगला जन्म मक्खी का मिल जाए, मच्छर का मिल जाए, छिपकली का मिल जाए, किसी का भी मिल जाए। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है। परमपिता हम उसको कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, जो भी कहें, उसके हाथ में है। वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है, उसी के आधार पर हमको जन्म देता है। तो हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, माने मनुष्य जन्म मिलेगा। नहीं किए हैं तो किसी दूसरी योनि में हम चले जाएंगे। अब ये योनि अगर बदल जाए, मान लीजिए आज मैं मनुष्य हूं और मैंने मनुष्य जन्म में कुछ गलत काम कर दिए, मान लीजिए मुझसे कोई पाप हो गया, हिंसा हो गई, कुछ भी हो गया, तो हो सकता है कि अगले जन्म में मुझे वो जन्म मिल जाए। उदाहरण के लिए मैं ऐसी एक छोटी सी बात कहता हूं कि मैं मान लीजिए मनुष्य हूं और मैंने पाप किया, हिंसा की और चींटी को मार दिया, या चींटे को मार दिया, या मक्खी को मार दिया, या किसी को मार दिया, तो हो सकता है कि वो जो परमपिता परमात्मा है, ईश्वर है, वो मेरे इस काम का लेखा जोखा रखेगा और हो सकता है मुझे अगला जन्म चींटी का ही दे देगा ताकि मुझे भी कोई मारे। तो वो जो दर्द है वो तभी तो मुझे महसूस होगा, जब मैं चींटी बनूंगा और मुझे कोई मारेगा तभी मुझे दर्द महसूस होगा कि चींटी बन के मरने का दर्द क्या होता है। मैं जब तक मनुष्य था मैंने किसी चींटी को मार दिया तो उसका दर्द मेरे मन में नहीं है कि मैंने उसको मार दिया तो उसको क्या दर्द हो सकता है। तो हो सकता है अगला जन्म मुझे चींटी का मिले और मैंने ही जो पाप किया, जो बुरा कर्म किया, वही बुरा कर्म करके मुझे कोई मारे, दूसरा कोई जन्म मिले, कोई मारे, फिर चौथा जन्म। तो इसका अर्थ तो ये हुआ। और हम ये भी जानते हैं शास्त्रों के आधार पर और अपने व्यवहारिक जीवन के आधार पर कि अगर इस तरह से जीव जंतुओं को मरने मारने का सिलसिला चलता रहे तो प्रकृति का विनाश हो सकता है, क्योंकि प्रकृति में कोई भी जीव जंतु फालतू नहीं है। हरेक की अपनी उपयोगिता है और हरेक का अपना महत्व है। चींटी भले ही कितनी छोटी है लेकिन उसकी उपयोगिता है, मच्छर भले ही कितना छोटा है लेकिन उसकी उपयोगिता है। अगर नहीं होता तो ईश्वर ने उनको पैदा नहीं किया होता। ईश्वर जो है बहुत बुद्धिमान है, वो उन्हीं को पैदा करता है जिनकी जरूरत होती है, बिना जरूरत किसी को वो पैदा वैदा करता नहीं, क्योंकि उसके पास फुर्सत नहीं है, बहुत सारे काम है उसको करने के लिए। बिना जरूरी लोगों को पैदा करने के लिए तो फुर्सत का समय चाहिए ना, बहुत व्यस्त है वो, तो पूरी प्रकृति को चलाता है। अब जो पूरी प्रकृति को चलाता है, ब्रह्मांड को चलाता है, उसके पास तो बहुत सारे काम होंगे। हम एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते हैं तो 24 घंटे में पता नहीं कितने काम निकल आते हैं, और वो दुनिया भर को चलाता है तो उसके पास तो कितने सारे काम होंगे। तो वो समझ बूझ के ये करता होगा। तो मैं कभी ऐसा सोचने लगा कि मान लो मैंने किसी को मारा, फिर मैं वही जन्म में आकर मुझको किसी ने मारा, फिर और किसी ने उस जन्म में वो किया तो उसको किसी ने मारा, तो फिर उस, तो ये मरने मारने का सिलसिला बहुत लंबा चला गया, तो प्रकृति में तो कुछ बचेगा नहीं। और प्रकृति में कुछ बचेगा नहीं तो प्रकृति का संतुलन टूट जाएगा, और संतुलन टूट गया तो मेरा और आपका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कई जगह हो चुका है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, हमारा एक पड़ोसी देश है चीन। एक बार वहां के नेताओं को कुछ सनक सवार हुई, और सनक सवार हुई तो विशेष किस्म की चिड़िया होती है चीन में, सबको मार के खा गए, और वो विशेष किस्म की चिड़िया खत्म हो गई चीन में। अब जब वो साल विशेष किस्म की चिड़िया खत्म हो गई तो उस साल चीन में धान पैदा नहीं हुआ, तो ऐसी भुखमरी आई कि दूसरे देशों से उन्होंने भीख मांगकर अपने देश का काम चलाया। फिर वहां के वैज्ञानिकों ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी मूर्खाई का काम किया कि ये सब चिड़ियाओं को मार दिया, उनका मांस तुमने खा लिया, वो चिड़िया जिंदा नहीं है, उसका धान के पर गहरा रिश्ता, अगर वो चिड़िया नहीं होगी तो धान नहीं हो सकता, वो चिड़िया कुछ विशेष काम करती है। फिर वो चिड़ियाएं वहां पर पहुंची तो उनका जो टूटा हुआ संतुलन था वो वापस आया। फिर उस वियतनाम नाम के देश की, वियतनाम के लोगों को एक बार ऐसा ही सनक सवार हुई तो चूहे को मार के खाने का अभियान उन्होंने शुरू किया। अब चूहों को मार के जब सब खा गए वियतनामी लोग तो एक नया संकट पैदा हो गया, और संकट क्या पैदा हो गया कि चूहे को मारकर खाने के बाद दूसरे बहुत सारे ऐसे जीव जंतु थे जो चूहे के लिए काम करते थे या चूहे का भोजन थे, वो इतने बढ़ गए कि वियतनाम में महामारियां फैल गई। फिर वियतनाम के वैज्ञानिकों को पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई हमने मूर्खाई किया कि ये सब चूहों को मार के खा लिया, तो फिर उन्होंने चूहे इम्पोर्ट किए दूसरे तमाम देशों से। अभी भी वो चूहे इंपोर्ट करते हैं दूसरे, आज भी वियतनाम में भारत से चूहे जाते हैं, एक्सपोर्ट होता है उसका।
और ये मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, पूरा संतुलन टूटता है और राष्ट्र संकट में फंसता है। तो हमारे देश के ये जो महान लोग रहे, जिनको हम चाहे तीर्थांकर कहें या ऋषि कहें मुनि कहें, जो भाषा हमको अच्छी लगती है वो हम इस्तेमाल करें, इन्होंने शायद बहुत सोच समझ के कहा होगा कि कोई भी एक जीव या जंतु बिल्कुल बेकार नहीं है, उसकी उपयोगिता है, इसलिए उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जैसे मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है मेरे जीवन के लिए, वैसे ही चींटी का जिंदा रहना बहुत जरूरी है उसके लिए भी और मेरे लिए, दोनों के लिए। हम शायद एक दूसरे पर परस्पर आश्रित, वो शायद मेरे लिए कुछ काम करेगी, मैं उसके लिए काम करने वाला। तो जब हम एक दूसरे पर अन्योन आश्रित हैं, मैं उस पर आश्रित हूं वो मेरे ऊपर आश्रित है, तो दोनों का अस्तित्व टिका रहना बहुत जरूरी है। तो उसी में से सिद्धांत निकला है जियो और जीने दो। अब जब ये जियो और जीने दो का सिद्धांत निकलेगा तो ये सिद्धांत की अंतिम पराकाष्ठा कहीं तक पहुंचेगी, तो एक ही शब्द, अहिंसा। अगर हिंसा होगी तो ना तो आप जी पाएंगे ना किसी को जीने देंगे। अहिंसा होगी तभी आप जिएंगे और दूसरे को जीने देंगे। तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, बड़े धर्म गुरुओं ने बहुत सोच समझ कर तय कर लिया, जियो और जीने दो, ताकि तुम्हारा ये जन्म भी और अगले आने वाले तमाम जन्म के लिए व्यवस्थाएं चलती रहे। अब जब हमने ये प्रकृति में सबको जिंदा रहने का अधिकार दिया तो उसके लिए संबंध कैसे होंगे, उसके लिए भी फिर बातें तय हुई। तो धर्मशास्त्रों में उसके लिए भी लिखा गया, और वो क्या लिखा गया कि चींटी को जिंदा रहने का अधिकार है, मुझे भी जिंदा रहने का अधिकार है। तो अब ये दोनों को जिंदा रहने का अधिकार है, तो इस अधिकार को किसी तरह से डिफाइन करना है, किसी तरह से उसका विश्लेषण करना है, और दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है वो ढूंढना है। तो फिर उसमें से आत्मा की बात निकली, और उस आत्मा की बात ने ये बता दिया हम सबको, और ये हमारे रग रग में घुसा हुआ है कि भाई देखो, आत्मा चींटी में भी है, तुम में भी है। आत्मा निकल जाए तो चींटी मर जाएगी, आत्मा निकल जाए तुम भी मर जाओगे। तो हम में भी आत्मा है, उसमें भी आत्मा है, मक्खी में भी आत्मा है, मच्छर में भी आत्मा है। फिर हमारे को किसी धर्मगुरु ने यह भी समझाया होगा शायद कालांतर में कि होता क्या है, यह आत्मा ही काया प्रवेश करती है। चींटी की आत्मा है वो मुझ में प्रवेश कर सकती है, मेरी आत्मा किसी चींटी में प्रवेश कर सकती है। इसका मायने ये हुआ कि सिद्धांत तय, ये तय कर लिया हमारे धर्म गुरुओं ने कि आत्मा बराबर है, चींटी की आत्मा मुझ में आ सकती है, मेरी आत्मा चींटी में जा सकती है। काया अलग अलग हो सकती है, शरीर अलग अलग हो सकता है, आत्मा सबकी एक जैसी है। तो अब आप देखिए, एक तो जियो और जीने दो का सिद्धांत आया तो उसमें से अहिंसा पैदा हो गई, फिर ये आत्मा का सिद्धांत आया और आत्मा की बराबरी का सिद्धांत आया, तो उसी में से ये पैदा हो गया कि भाई तुम्हारी आत्मा चींटी की आत्मा में कोई फर्क नहीं है, और हम और वो दोनों प्रकृति भाई हैं या भाई बहन हैं या जो भी है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है और उसका धर्म मेरी रक्षा करना। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ धर्म से बंध गए। अब आप देखिए, ये बहुत खूबसूरत सिद्धांत है जो निकला हमारे जीवन दर्शन में से। एक सिद्धांत ने हमको अहिंसा बता दी ताकि प्रकृति का संतुलन ना टूटे, दूसरे सिद्धांत ने हमको आत्मा की बराबरी सिखा दी ताकि हम में अहंकार पैदा ना हो जाए। ये जो बार बार जैन संतों के मुंह से मैंने सुना, तो वो कहते हैं देखो, आदमी के चार पांच ही दुश्मन होते हैं, उसमें काम, क्रोध, मद और लोभ, ये चार तो बहुत मुख्य है। वो एक शब्द आता है जैन शास्त्रों में, कषाय, चार कषाय से बचो, बार बार मैंने सुना है जैन संतों के मुंह से। तो ये चार कषाय है, काम है, क्रोध है, मद है और लोभ है। तो काम है वो तो आप सब समझते हैं, मद माने अहंकार, तो अहंकार से हमेशा बचना चाहिए। अब इस अहंकार से बचना हो तो कैसे बचें? अहंकार हमने पाल रखा कि हम चींटी से ज्यादा ताकतवर हैं। जैसे ही पता चलता है कि चींटी की आत्मा और मेरी आत्मा दोनों बराबर है, तो एक मिनट में वो अहंकार खत्म हो जाता है। तो इस पूरी मानव जाति को अहंकार से बचाने के लिए, अहिंसा प्रिय बनाने के लिए वो सिद्धांत आ गया, आत्मा वाला। अब इस बात को ठीक से हम समझें कि आप में आत्मा है, मुझ में आत्मा है, चींटी में भी आत्मा है, सब में आत्मा है। वो आत्मा एक से दूसरे में प्रवेश करेगी तो जन्म उससे चलता है, जीवन उससे चलता है। तो हमने आत्मा की बराबरी की बात मानी। अब जब आत्मा की बराबरी की बात मानी तो अब प्रश्न यह होता है कि मैं मेरी आत्मा को अगर कष्ट नहीं दे सकता तो चींटी की आत्मा को कष्ट कैसे दे सकता हूं? जब मैं खुद महसूस करता हूं कि मेरी आत्मा को कष्ट ना मिले, तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि चींटी या मक्खी की आत्मा को कष्ट मिलना चाहिए? तो फिर ये आत्मा की जब बराबरी स्थापित हो गई तो चींटी में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके
कि मैं कुछ ज्यादा काम कर सकता हूं, वो कुछ कम काम कर सकती है, ये क्षमता का प्रश्न है, वरना बराबरी हम दोनों में है। अब ये बराबरी हम दोनों में है तो इस सिद्धांत को स्थापित कैसे किया गया व्यवहारिक जीवन में, एक बार मैंने मेरे बचपन की घटना में आपको सुनाना चाहता हूं। मेरी मां है बहुत धार्मिक वृत्ति वाली महिला है, तो एक बार मैंने मेरी मां को एक प्रश्न किया था। ऐसे बहुत सारे बच्चे प्रश्न करते हैं अपनी माताओं से, अब सवाल है कि वो जवाब क्या दे उसका। तो मैंने एक बार मेरी मां से प्रश्न किया था, रोज सुबह मैं उसको झाड़ू लगाते हुए देखता था मेरे घर में, तो मेरे घर में वो झाड़ू इस्तेमाल की जाती है जो सींक वाली होती है। तो मैंने मेरी मां को पूछा कि ये जो सींक वाली झाड़ू बनाते हैं इसमें आगे का हिस्सा इतना चौड़ा होता है और जहां से पकड़ते हैं वो इतना छोटा होता है कि ऐसा क्यों बनाते हैं, इसको दोनों एक जैसा क्यों नहीं बना लेते, आगे का हिस्सा भी उतना ही छोटा रहे जितना पीछे का है, या आगे का हिस्सा जितना चौड़ा उतना पीछे का भी हो जाए। तो मेरी मां उसका कुछ उस समय जवाब नहीं दे पाई, उसने कहा आप बनाते हैं तो बनाते हैं, तो ठीक है। लेकिन यह प्रश्न मेरे मन में बना रहा बहुत दिनों तक और अभी तक बना रहा। अब उसका थोड़े दिन पहले जवाब मिला कि इसी तरह का एक प्रश्न महात्मा गांधी को उनके किसी चेले ने पूछा था। गांधी जी सेवाग्राम आश्रम वर्धा में रहते थे और तो उन्होंने वर्धा में एक नियम बनाया था अपने आश्रम में कि जो झाड़ू बनाने वाला कारीगर होगा उसको उन्होंने आदेश दिया था कि देखो झाड़ू का जो सामने वाला हिस्सा है, माने जो झाड़ने के काम में आता है, वो इतने दूर दूर उसकी वो होनी चाहिए, सीक है, नजदीक नहीं होनी चाहिए। तो पूछा कारीगर ने कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं, तो गांधी जी ने कहा देखो कि ये सीकें अगर बहुत नजदीक होंगी और तुम उससे झाड़ू लगाओगे तो चींटी के मरने की संभावना इसमें सबसे ज्यादा, और सीकें अगर दूर दूर होंगी तो उसके बीच का एरिया बढ़ जाएगा तो उसके मरने की संभावना न्यूनतम है। तो गांधी जी कहते थे कि झाड़ू तो लगनी ही चाहिए, चींटी भी नहीं मरनी चाहिए। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि हिंदुस्तान में झाड़ू ऐसी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि यूरोप में मैंने ऐसी झाड़ू नहीं देखी। यूरोप में जो झाड़ूएं बनाई जाती है और जिनका इस्तेमाल किया जाता है उनमें कभी भी यह ध्यान नहीं रखा जाता कि चींटी मर रही है कि मक्खर मच्छर मर रहा है कि मक्खी मर रही है कि क्या मर रहा, उनके लिए इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए तो इतने महत्व की बात है कि वो झाड़ू भी ऐसी होनी चाहिए जो सामने से एरिया को ज्यादा कवर करे और चींटी उसमें मरने से बचती रहे। तो माने अहिंसा हमारे जीवन दर्शन में इतने न्यून स्तर पर है, इतने माइक्रो लेवल पर है कि हम झाड़ू बनाने के पहले भी उसकी टेक्नोलॉजी या उसकी टेक्निक ऐसी डेवलप करते हैं कि भाई वो चींटी भी बचे और झाड़ू भी लगे। वो सवाल का जवाब अभी मुझे मिला जो बचपन से मेरे मन में आता था। तब मेरे मन में एक अहोभाव पैदा हुआ मेरे देश की संस्कृति के बारे में, मेरे देश के शास्त्रों के बारे में, कि जो देश के शास्त्र या धर्म गुरु इतने गहरे स्तर पर सोचते हों उतर कर कि झाड़ू तो लगनी ही चाहिए लेकिन चींटी नहीं मरनी चाहिए, उसके नीचे कोई जीव जंतु नहीं आना चाहिए, इसका मायने तो ये अहिंसा हमारा जो जीवन दर्शन है ये कोई बहुत गहरी बात है। और वो गहरी बात यहीं से है, पुराने जन्म पूर्व जन्म में से निकली हुई बात है। अब इसके साथ अब मैं दूसरी बात बताता हूं। हमने पूर्व जन्म को आधार बनाकर अपने जीवन को जब विकसित किया तो उसमें से अहिंसा निकली, अपरिग्रह भी निकलेगा। अपरिग्रह क्यों निकलेगा? अपरिग्रह इसलिए निकलेगा कि एक जन्म तो यह मिल गया और दूसरा जन्म फिर मिलने वाला, अगर इसी जन्म में सब कुछ खर्च कर लिया तो दूसरे जन्म के लिए क्या। मान लीजिए हम इंदौर में रहते हैं, इस जन्म में इंदौर का सारा पानी हमने खर्च कर लिया, दोबारा फिर जन्म लेके पैदा होंगे तब क्या खर्च करेंगे? आप सोचोगे इस बात को? और इसकी संभावना है तो हमेशा बनी हुई है कि दोबारा जन्म भी मिलने वाला है, काम अच्छे करेंगे तो पक्की बात है मिलने ही वाला है। तो दोबारा जन्म अगर मिलेगा और पानी नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे? और मान लीजिए इसी जन्म में सारी मिट्टी हमने इस्तेमाल कर ली, दोबारा जन्म मिला तो फिर मिट्टी की जरूरत पड़ेगी तो कहां से लाएंगे? तो इसलिए अपरिग्रह आया कि जीवन में उतना ही लेना है जितना आपके तात्कालिक जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है, बाकी बचाकर छोड़ना है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काफी बना रहे और वो आने वाली पीढ़ियों में हम भी शामिल हो सकते हैं। इसी में से अपरिग्रह निकला ना, और कहां से आएगा अपरिग्रह? ये सारे जो सिद्धांत है ना वो हमारे व्यावहारिक जीवन में से निकले हुए सिद्धांत। तो इसी में से अहिंसा निकली, इसी में से आत्मा की बराबरी निकली, इसी में से अपरिग्रह निकला, इसी में से सत्य निकला, इसी में से बाकी सारे जो सिद्धांत हैं हम मानते हैं वो इसी में से निकले। तो मूल जो दर्शन है वो आप उसको मैं
आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूं वो पुनर्जन्म का दर्शन है, और उस दर्शन पर जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये सारी बातें उसमें से निकलती चली आएंगी। अब इसके विपरीत दूसरी बात बताता हूं, मैं जब यूरोप में रहा तो मैंने यूरोप में चलने वाले धर्मों का भी थोड़ा अध्ययन किया। दो तरह के धर्म मुख्य रूप से चलते हैं, ईसाइयत वाले हैं, उनमें से भी दो धाराएं हैं, कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट हैं। फिर कुछ ऐसे भी लोग मिले जो पारसी हैं वहां पर, कुछ ऐसे भी लोग मिले जो पुराने जमाने के यहूदी धर्म वाले हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं, और कहीं कहीं वे मुसलमान हैं। इसके अलावा तो कोई और जानकारी में मेरे आया नहीं। मैंने क्या किया कि इनके धर्मों की पुस्तकों को पढ़ा, कुरान भी पढ़ा, हदीस भी पढ़ा, बाइबिल भी पढ़ा, बाइबिल के दोनों टेस्टामेंट पढ़े, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ा, न्यू टेस्टामेंट पढ़ा, सब पढ़ा, बस एक ही बात को जानने के लिए कि इनके धर्म शास्त्रों में कहीं पुनर्जन्म का सिद्धांत है क्या जो हमारे शास्त्रों में। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूं कि किसी भी ईसाइयत के शास्त्र में पुनर्जन्म का कोई सिद्धांत नहीं है, और किसी भी मुस्लिम धर्म के शास्त्र में भी पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है, कहीं भी नहीं है। हाँ, ईसाइयत वाले पुनर्जन्म की बात एक और एक जगह पर करते हैं, वो भी ईसा मसीह के बारे में, कि वो साहब मर गए थे तो 7 दिन के बाद फिर जिंदा हो गए थे अपने शिष्यों को, अपने डिसाइपल्स को कुछ कहने के लिए, उसके बाद तो फिर उनका स्वर्गवास हो गया था। तो वो मानते हैं कि पुनर्जन्म एक ही व्यक्ति का हुआ और वो ईसा मसीह का था, बाकी किसी का पुनर्जन्म होता नहीं। इसका अर्थ ये है कि पूरे मुस्लिम समाज में, पूरे ईसाई समाज में जन्म सिर्फ एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता। अब आप समझिए, जो समाज ऐसा मानकर चलेगा कि जन्म सिर्फ एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता, उस समाज की मानसिकता, और जो समाज ये मानकर चलेगा कि जन्म बार बार मिलता है, बार बार मिलता है, बार बार मिलता है, उसकी मानसिकता, आप बोलो जमीन आसमान का फर्क होगा कि नहीं होगा। जब हमें यह मालूम है कि जन्म बार बार मिलने वाला है, बार बार मिलने वाला है, बार बार मिलने वाला है, तो हम कहेंगे भाई जल्दी क्या है, हमारी मानसिकता तो ऐसी ही बनेगी ना। जैसे हम कहते हैं भाई कर लो आज ये काम, तो कहते हैं काय के लिए कर ले, कल भी तो है ना, कल कर लेंगे। तो कोई कहता कल कोई जरूरी है कि काल, कल का ही कोई वो निकला मुहूर्त, परसों भी कर सकते हैं, परसों भी क्या जरूरी है, महीने भर बाद भी कर सकते हैं। बहुत लोग तो मैंने देखे हैं कि क्या राजीव भाई आप मूर्खाई की बात करते हैं, कोई जरूरी है कि इसी जन्म में करें, अगला जन्म मिलेगा तब कर लेंगे इस काम को। हमारे देश में एक महान व्यक्ति हुए, उनका नाम था महर्षि अरविंद, आप में से कई लोगों ने शायद उनके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। तो महर्षि अरविंद ने एक बार इच्छा जाहिर की थी कि मैं 125 साल जिंदा रहने वाला। बाद में क्या हुआ, उनको बहुत मानसिक संन्यास हो गया और देह से लगाव खत्म हो गया, तो एक दिन कहने लगे अब मैं मरना चाहता हूं। तो उनके शिष्यों ने कहा कि क्या आप पहले तो कहते थे 125 साल जिंदा रहूंगा, आप कहते हैं मैं मरना चाहता हूं। और उन्होंने एक संकल्प और ले रखा था कि मैं हिंदुस्तान की आजादी के पहले नहीं मरूंगा, आजादी देख के ही मरूंगा। तो उनके कई शिष्यों ने जो उनके साथ में रहते थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने तो कहा था कि आप हिंदुस्तान की आजादी देख के मरेंगे, अब आप कहते हैं उसके पहले ही मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, दूसरा जन्म लेके फिर आने वाला हूं, आजादी तो देखूंगा ही, आजादी तो देखने वाला हूं, और तुम ये जान लो कि जब तक भारत की आजादी नहीं मिलेगी मुझे जन्म मिलता ही रहेगा, मुझे मोक्ष तभी मिलेगा जब भारत को आजादी मिल जाएगी। ये उनका कन्विक्शन, वो कह रहे थे कि यह जन्म जन्मांतरों के बंधनों से मैं तभी मुक्त होऊंगा जब भारत की आजादी आ जाएगी, नहीं तो मैं बार बार जन्म लेके पैदा होता ही रहूंगा। अब ये अलग प्रश्न है कि मैं मनुष्य के रूप में आऊं या किसी दूसरे जानवर के रूप में आऊं, लेकिन मैं आने वाला हूं भारत की जमीन। तो महर्षि अरविंद हो या महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का भी ऐसा ही एक जवाब था, किसी ने कहा कि गांधी जी ये भारत का तो बंटवारा हो गया, आपकी आत्मा तो बहुत दुखी होगी, जहां दुखी है तो अब क्या करने वाले, तो उनका दोबारा जन्म लेके फिर भारत को एक करने की कोशिश करूंगा। ये उनके शब्द थे कि फिर जन्म लेके आऊंगा और ये भारत जो टूट गया इसको फिर एक करने की कोशिश करूं। तो ये जितने भी महान पुरुष हुए हैं ये सिर्फ इस तरह की बातें करते रहे, सिर्फ बातें नहीं करते, वो मानते हैं, उनकी वो मान्यता है। तो इस मान्यता के आधार पर जब कोई आदमी बनेगा तो कैसा आदमी होगा, वो आदमी धीरज वाला होगा। सबसे पहला गुण उसका ये होगा, जिसको ये मालूम है कि बार बार जन्म मिलने वाला है तो उसमें अधीरता तो बिल्कुल नहीं होगी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होगी, और सब कुछ अपने लिए रख छोड़ने की कल्पना भी नहीं होगी, क्योंकि वो जानता है ना कि दोबारा फिर आना है, तो सब कुछ अभी ले लिया तो फिर आगे क्या। तो उसका जीवन इस तरह का होगा। अब आप इसके ठीक उल्टी कल्पना करो कि जिसको मालूम है कि एक ही जन्म मिलने वाला है
और वो कहता है कि किसी तरह मिल गया है, तो वो क्या कहेगा, भाई जो करना है इसी जन्म में करो, क्योंकि दूसरा कोई जन्म है ही नहीं। मेरा एक मित्र है, जर्मनी में रहता है। एक बार मेरी उसकी बहुत भयंकर चर्चा हो गई हिंसा और अहिंसा के सवाल पर, तो वो कहने लगा, हां तुम तो अहिंसा की बात कर सकते हो इसलिए कि तुम्हें बार बार जन्म मिलने वाले, मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मालूम है कि यही एक जन्म मुझे मिला, जो करना है वो इसी जन्म में करना। तो जब उनको ये सिद्धांत या ये फिलॉसफी बताई गई होगी या पढ़ाई गई होगी कि भाई जीवन एक ही बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा, तो जो लोग इस सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ेंगे वो अहिंसक हो नहीं सकते, हिंसा उनके खून में आने ही वाली है, क्योंकि जीवन की संतुष्टि नहीं है। आपको ये एक दूसरे उदाहरण से मैं समझाता हूं। आपको मन में शांति और संतोष कब होता है? जब आपको मालूम है कि मेरे भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं वो सिर्फ एक ही बार नहीं होने वाली है, बार बार होने वाली है, आप बहुत संतोष में रहेंगे। और आपको जब ये मालूम है कि भविष्य में पता नहीं कुछ जीवन मिलेगा भी नहीं मिलेगा, तो आपके मन में बहुत असंतोष होगा, बहुत जल्दबाजी होगी, हर एक काम को आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, हर समय आपको एक ही बात लगती रहेगी कि जल्दी से पूरा करूं और मर जाऊं, तो जल्दी भी होगी। अहिंसक हो नहीं सकते आप, हिंसा के रास्ते पे जाएंगे ही जाएंगे। और अपरिग्रह काय के लिए फिर, जब मालूम है कि जीवन एक ही बार मिलना है तो जो भोग करना है कर लो भाई, दोबारा तो जीवन मिलेगा नहीं, तो भोग के रास्ते पे भी जाएंगे, हिंसा के रास्ते पर भी जाएंगे, परिग्रह के रास्ते पर भी जाएंगे। तो आप सोचो कि उसमें से जो संस्कृति का निर्माण होगा वो हमसे बिल्कुल विपरीत संस्कृति होगी, और हमारी जो संस्कृति का निर्माण होगा वो बिल्कुल अलग संस्कृति होगी। तो हमारी एक संस्कृति जो अहिंसा प्रधान और यूरोप और अमेरिका वालों की एक संस्कृति जो हिंसा प्रधान, अब कभी दुर्भाग्य ऐसा हो जाए कि ये हिंसा प्रधान संस्कृति का अहिंसा प्रधान संस्कृति के साथ कोई टकराव हो जाए तो उसमें से क्या पैदा होगा? जो पैदा होगा वो आज हमारी आंखों के सामने है। क्या पैदा होगा? दो ही बातें हो सकती हैं। जब अहिंसा प्रधान संस्कृति और हिंसा प्रधान संस्कृति की टकराहट होगी तो प्रश्न यहां पर आएगा कि हिंसा प्रधान संस्कृति के तत्व अहिंसा प्रधान संस्कृति में प्रवेश कर जाएंगे, और साथ ही साथ अहिंसा प्रधान संस्कृति के कुछ तत्व उसमें भी प्रवेश कर जाएंगे, हिंसा प्रधान संस्कृति। अब यही हो गया है हमारे साथ, हमारे देश का कुछ दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए, हमारा टकराव ऐसे लोगों के साथ कम से कम 400-500 साल होता रहा जो हिंसा प्रधान संस्कृति के वारिस थे या बाशिंदे थे, या अगर कहें तो 1200 साल 1300 साल होता है। इतिहास अगर उठाकर देखें तो 7वीं शताब्दी से यह दिखाई देता है। 7वीं शताब्दी में पहला विदेशी हमला होता है मोहम्मद बिन कासिम का, जो हिंसा प्रधान संस्कृति से आया। फिर 10वीं-11वीं शताब्दी में हमले होते हैं महमूद गजनवी के, जो हिंसा प्रधान संस्कृति से आया। फिर नादिर शाह, तैमूर लंग या अहमद शाह अब्दाली, या फिर उसके आगे चलते जाइए तो बाबर, फिर बाबर के आगे उसके खानदान के लोग, ये सब हिंसा प्रधान संस्कृति वाले। फिर उसके बाद जो हमले हुए हैं वो भी हिंसा प्रधान संस्कृति वाले। उसके बाद के हमले हैं डच लोगों के, फ्रांसीसियों के, पुर्तगालियों के, पुर्तगालियों के सबसे पहले हो गए डच के, उसके बाद फ्रांसीसियों के, उसके बाद, और सबसे आखिरी विदेशी हमला अंग्रेजों का। अब देखिए क्या होता है, हमारी हिंसा प्रधान संस्कृति नहीं, चूंकि हम अहिंसा प्रधान संस्कृति हैं, इसलिए हमला हम करने तो जा नहीं सकते, क्योंकि हम तो आत्मा की बराबरी की बात करते हैं ना, हम तो कहते हैं आत्मा तो उनमें भी है, और हम कहते हैं कि काय को अपने ऊपर पाप लेने का, ये अंग्रेजों को मार के, तो हम तो पाप ले नहीं सकते अपने ऊपर, तो हम तो हमला करने जा नहीं सकते, इसलिए हम कभी हमलावर नहीं बने। भारत के कभी भी किसी राजा ने किसी भी दूसरे देश पे हमला नहीं किया आज तक के इतिहास में। दूसरे राजाओं ने हमारे ऊपर हमले किए क्योंकि वो तो हिंसा प्रधान संस्कृति वाले, तो हमले हमारे ऊपर हुए, हम किसी पर हमला करने नहीं गए। अगर हम जाते तो हमारी संस्कृति के जीवन मूल्य वहां पर ज्यादा आ जाते, क्योंकि वो आए हमला करने के लिए, इसलिए उनके जीवन मूल्य हमारे ऊपर ज्यादा छा गए। अब हिंसा प्रधान संस्कृति के जीवन मूल्य किस तरह के होंगे आप उनसे क्या कल्पना कर सकते हैं? जो हिंसा को केंद्र में बनाकर समाज की व्यवस्था करेंगे वो तो पशुओं का भी मांस खाएंगे, आदमी का भी खा जाएंगे, उनको मौका मिलेगा तो कुछ भी खा जाएंगे।
तो करेंगे ना, उनको तो लगता नहीं है ना कि ये चींटी में भी आत्मा है, मक्खी में भी आत्मा है, मच्छर में भी आत्मा है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब मैंने बाइबल पढ़ी ओल्ड टेस्टामेंट, तो उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है कि आत्मा उसी में हो सकती है जिसका बैप्टिज्म हो सकता है। एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है क्रिश्चियनिटी में, उसको बैप्टिज्म कहते हैं। बैप्टिज्म का माने कोई पुरोहित ईसाईयत वाला कुछ जलवल छिड़क के, कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के कुछ कहता है, तो वो कहते हैं ये बैप्टिज्म। तो जिसका बैप्टिज्म हो सकता है आत्मा उसी में होती है, ये ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में भी। हमारे यहां क्या है, आत्मा सब में होती है। अब आप देखो हमारा और उनका फर्क, वो कहते हैं कि आत्मा उन्हीं में हो सकती है जिनका बैप्टिज्म हो सकता है, और बैप्टिज्म किसका हो सकता है, जो ईसाई है, उसका, उसके अलावा तो वो किसी का करते नहीं, और अगर करेंगे भी तो पहले उसको ईसाई बनाएंगे तब उसका बैप्टिज्म करेंगे। तो उन्होंने अपने जीवन दर्शन में ये मान लिया कि जिनका बैप्टिज्म हो सकता है आत्मा उन्हीं में हो सकती है, ऊंचे वही लोग हो सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिनका बैप्टिज्म नहीं हो सकता उनमें आत्मा नहीं हो सकती, और जिसमें आत्मा नहीं हो सकती वो नीचे हैं, और नीचे हैं तो उनके साथ कुछ भी व्यवहार किया जा सकता। तो जीव जंतु जितने भी हैं प्रकृति में उन सबको उन्होंने नीचा मान लिया, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, क्योंकि उनका बैप्टिज्म नहीं हुआ है, तो उनको मार के भी खाया जा सकता है, उनको गुलाम भी बनाया जा सकता है, उनके ऊपर अत्याचार भी किए जा सकते हैं, उसमें उनको कोई तकलीफ नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तो जब उन्होंने ये मान लिया तो उसी में से दर्शन निकला कि भाई अगर ये जीव जंतु हैं और हमें लगता है कि मार के खा लेना चाहिए तो खा लो, तो गाय को काट के खाना शुरू कर दिया, बैल को भी काट के खाना शुरू कर दिया, कुत्ते को भी काट के खाना शुरू कर दिया, चूहे को भी काट के खाना शुरू कर दिया, या सांप को भी खा लेते हैं, छिपकली को भी खा लेते हैं। मैंने यूरोप में कई ऐसे लोग देखे हैं जो चींटी की चटनी बना के खा लेते हैं बड़े आराम से। हाँ, आप इस पे हंसिए मत, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, चूहे का मांस और ये तो, सांप का मांस तो बड़ी बात है, चींटी की चटनी बना के खा सकते हैं, और बच्चे अच्छे अच्छे तरीके से खा सकते हैं। समुद्र में कई तरह के जीव जंतु मिलते हैं ना, केकड़े वेकड़े, उनकी टांगों का सलाद बना के खाते हैं यूरोप में, खाते हैं वो तो, और उनके डाइनिंग टेबल पे और लंच में और डिनर में इस तरह की चीजें होती ही होती है। तो वो ये सब कर सकते हैं क्योंकि वो मानते ही हैं ऐसा, और हम तो इसके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी मान्यता अलग है। तो निश्चित रूप से हम जिस व्यवस्था में हैं वो व्यवस्था में से निकले हुए जीवन मूल्य हमको शाकाहारी ही बनाने वाले हैं, और वो जिस व्यवस्था में रहते हैं उसमें से निकले हुए जीवन मूल्य उनको मांसाहारी ही बनाने वाले हैं। अब जब उनके जीवन मूल्यों ने उनको मांसाहारी बनाया तो मांस खाना उनके लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए पानी पीना, वो खाते। और जब मांस खाना उन्होंने शुरू किया इस तरीके से जैसे जीवन के लिए बहुत जरूरी काम है, तो अपने ही देश के जानवरों का ही मांस नहीं, जब अपने देश के जानवर खत्म हो गए तो पड़ोसी देश के जानवर, और पड़ोसी देश के खत्म हो गए तो उसके पड़ोसी देश के जानवर। और यूरोप में ये मांस खाने की परंपरा बहुत हजार साल पुरानी है, तो पहले यूरोप के लोगों ने अपने जानवर काट के खाए, जब वो जानवर खत्म हो गए तो आस पड़ोस के देशों के मारकर खाए, काट कर खाए, और वो भी खत्म हो गए, तो जिन जिन देशों को गुलाम बनाया था यूरोपियन लोगों ने, उन सभी देशों के जानवरों को मारकर काट कर खाने का एक अभियान और सिलसिला उन्होंने शुरू किया। और उसी में से हमारे देश में फिर ये मांस का बहुत बड़े पैमाने पर मैकेनाइज्ड तरीके से उत्पादन का काम भी उन्होंने शुरू किया, क्योंकि उनको मांस चाहिए। हिंदुस्तान के बारे में पिछले 10 वर्षों में मैंने कुछ 50,000 डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं। इंग्लैंड की लाइब्रेरी है एक बहुत बड़ी जिसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी, इंग्लैंड की लोकसभा, वहां की बहुत बड़ी वो है पुस्तकालय, वहां से कुछ दस्तावेज लिए, और वो दस्तावेज इसलिए लिए हैं कि समझ सकूं अपने देश की परेशानियों के बारे में। तो उन दस्तावेजों को देखने के बाद मुझे सबसे पहली जानकारी जो मिली कि हिंदुस्तान में सबसे पहला मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस या कत्ल खाना 1760 में खुला, एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कलकत्ता में। उस अधिकारी का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। फिर आप पूछोगे क्या राजीव भाई उसके पहले कत्ल खाने नहीं थे इस देश में? 1760 के पहले के दस्तावेज मैंने इकट्ठे किए तो उनसे ये पता चलता है कि कत्ल खाने नहीं थे, लेकिन जानवरों का कत्ल होता था। कत्ल खाने तो नहीं थे लेकिन जानवरों का कत्ल होता था, गांव में किसी ने मार के खा लिया, बकरे को, बकरी को, भेड़ को, वगैरह वगैरह, किसी को भी, कहीं किसी ने पशु मार के खा लिया, कोई पक्षी मार के खा लिया, ये चलता था।
लेकिन कतल खाने जैसी कोई चीज 1760 के पहले नहीं थी। हाँ, हिंदुस्तान में ऐसी भी व्यवस्था थी कई राज्यों में, जिनमें से एक राज्य का मैं जिक्र करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर, जहां पर डोगरा राजाओं का बहुत लंबे समय तक शासन चलता रहा। और आप जानते हैं डोगरा राजा पंडित सब थे, उनके राज्य में तो कानून था कि अगर किसी ने जानवर मार के खा लिया तो उसकी सजा फांसी। डोगरा राजाओं के जमाने में जम्मू कश्मीर में यह कानून था। और ऐसे कानून हिंदुस्तान में बहुत सारे राजा महाराजाओं ने बना रखे थे, 1400 के आसपास, 1300 के आसपास के बहुत सारे राजा महाराजाओं के इस तरह के कानून थे। तो कहीं छिटपुट इस तरह के कत्ल हुआ करते थे, लेकिन कत्ल खाने जैसी कोई चीज 1760 के पहले इस देश में नहीं थी। 1760 में सबसे पहला कत्ल कारखाना इस देश में अंग्रेजों ने खोला, रॉबर्ट क्लाइव ने। और उस कत्ल खाने को खोलने के लिए उसने इंग्लैंड की संसद के साथ जो पत्राचार किया, चिट्ठियां भेजा और फिर चिट्ठियों का जवाब उसको मिला, उसमें से एक दो बातें मैं आपको सुनाता हूं। जैसे एक बार उसको पत्र आया कि ये कत्ल खाना जो खोला है इसके पीछे उद्देश्य क्या, तो रॉबर्ट क्लाइव चिट्ठी लिखता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य यह है कि अंग्रेजों की फौज को जो गाय का मांस खाने की आदत है बहुत पुराने समय से, उस आदत की पूर्ति इससे होती रहेगी, क्योंकि हमने ये जो कत्ल खाना खोला इसमें गाय का कत्ल होगा, तो गाय के कत्ल से जो मांस पैदा होगा, हिंदुस्तान में तो कोई खाता वाता नहीं है ज्यादा, तो हम तो सब इसको ले जाने वाले इंग्लैंड, एक्सपोर्ट करेंगे यहां से और वहां खाएंगे, और हमारी आर्मी अगर गाय का मांस खाएगी तो उसमें कुछ ताकत आएगी और वो ताकत से हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाने में मदद मिलेगी। ये उससे चिट्ठी है जो उसने लिखी है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। फिर एक बात वो और लिख रहा है, वो थोड़ी गहरी बात है। वो गहरी बात क्या लिख रहा है, वो ये लिख रहा है कि हिंदुस्तान के लोग गाय को बहुत पूज्य मानते हैं, गाय इनके लिए मां जैसी है और भारतीय संस्कृति में बहुत ऊंचा स्थान है उसका। तो वो कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव अपनी चिट्ठी में कि जिस प्रजा को, जिस समाज को गुलाम बनाया जाता है, उसकी जो मान्यताएं हैं बहुत ऊंची, उन मान्यताओं को ध्वस्त करना पड़ता है, उनको नीचे लाया जाता है। तो गाय के बारे में जो बहुत ऊंची मान्यता है भारत के लोगों के मन में, वो ऊंची मान्यता को नीचे लाने का काम भी तभी होगा जब गाय का कत्ल हम कराएंगे, संख्या लगातार कम होती जाएगी और गांव में रहने वाले लोग जब अपने आप को बेबस महसूस करेंगे और गाय की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो मन टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, और एक दिन इतना टूट जाएगा कि हो सकता है कि वो गाय के बारे में सोचना बंद कर दे, और वही हमारे लिए टर्निंग पॉइंट आएगा। ये उसकी चिट्ठी का वाक्य है जो मैं पढ़ के सुना। तो अंग्रेजों ने गाय का जो कत्ल कराया, और गाय के कत्ल के साथ साथ फिर दूसरे जानवरों का भी कत्ल, भेड़ का, भैंस का, बकरी का, क्योंकि उनको तो मांस चाहिए, गाय का मांस सबसे ज्यादा प्रिय है, दूसरे मांस भी चाहिए। तो फिर कलकत्ता का कत्ल खाना हुआ, फिर उसके बाद दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, होते होते हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने 350 कत्ल खाने बना दिए 1760 से लेकर 1947 के बीच में। जब तक अंग्रेजी राज इस देश में चलता रहा 1760-1947 के बीच का, तब तक 350 कत्ल कारखाने पूरे देश में बन गए। और उसमें अंग्रेजों ने कितने पशुओं का कत्ल किया होगा, कितने गोवंश का कत्ल किया होगा, उसके बारे में जब मैं ढूंढता था और वो सारे आंकड़े मुझे मिल गए हैं और उसकी मैं पुस्तक बना रहा हूं, थोड़े दिनों में वो पुस्तक छप जाएगी और वो आपके हाथ में भी आएगी। तो आंकड़े क्या मिले हैं, आंकड़े ये मिले हैं कि 1760 से 1947 के बीच में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में 48 करोड़ गोवंश का कत्ल कराया, 1760 से 1947। अब 1760 से 1947 लगभग मान लीजिए 200 साल का समय, तो 200 साल के समय में 48 करोड़ गोवंश का कत्ल, तो एक वर्ष में कितना हुआ आप जरा सोच सकते। इतने बड़े पैमाने पर इस देश में गोवंश का कत्ल हुआ, और उसके पीछे दृष्टि क्या है, एक तो उनको मांस मिलेगा, दूसरा हिंदुओं की जो मान्यता है गाय के बारे में उसको नीचे लाने की कोशिश वो करते रहे। और ये कैसे हुआ है, इसके पीछे भी एक साजिश। अंग्रेजों का एक बड़ा अधिकारी हुआ करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। एक बार वो संसद में भाषण कर रहा था तो उसने कहा कि भारत को 1000 साल तक गुलाम बना के रखना, उसके लिए हमें कोई योजना बनानी चाहिए। तो एक बार किसी ने उसको पूछा संसद में भाषण करते हुए, टोका कि ऐसी कौन सी योजना हो सकती है जो भारत को 1000 साल के लिए गुलाम बनाने में काम आए। तो उसने कहा कि देखो, किसी भी देश को अगर लंबे समय के लिए गुलाम बनाना हो तो तीन ही काम करने चाहिए। इस बात को आप सब ध्यान से सुने। उसने कहा तीन ही काम करने चाहिए। पहला काम, उस देश की आर्थिक शक्तियों को तोड़ देना चाहिए, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उस देश की उसको तोड़ देना चाहिए।
फिर उसको पूछा गया दूसरा काम, तो कहता है राजनीतिक शक्तियों को तोड़ देना चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उसको तोड़ देना चाहिए। और फिर उसको पूछा गया कि तीसरा काम, तो कहता है तीसरा काम एक ही होता है, वो उसकी सांस्कृतिक जो विरासत है उस देश की उसको जड़ मूल से नाश कर देना चाहिए। अगर किसी देश की संस्कृति का जड़ मूल से नाश कर दिया जाए, उस देश की राजनीतिक शक्तियों को तोड़ दिया जाए और उस देश की आर्थिक शक्तियों का जड़ मूल से खलासा कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो वो राष्ट्र हमेशा के लिए दूसरे का गुलाम हो जाता है। अब आर्थिक शक्तियों को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो अंग्रेजों ने तमाम तरह के टैक्स लगा के हिंदुस्तान के कारखाने बंद करा के अपना माल सस्ती कीमत पर हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट करा के वो सारा धंधा किया और हिंदुस्तान की इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। वो विषय पर बहुत लंबा व्याख्यान हो सकता है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं उसको। राजनीतिक शक्तियों को कैसे तोड़ा उन्होंने, राजनीतिक शक्तियों को तोड़ा कि हिंदुस्तान के एक एक राजा से पहले समझौता करो, एग्रीमेंट करो, और जो राजा एक बार समझौता कहे वही अंग्रेजों का गुलाम। तो राजनीतिक शक्तियों को तोड़ लिया। संस्कृति को तोड़ने की जब बात शुरू हुई तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई कि भारत की संस्कृति को नाश करना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो फिर उसके लिए एक बार बिल्वर फोर्स ने कहा कि इसके लिए तीन काम करने चाहिए संस्कृति का नाश करना। तो वो तीन काम कौन कौन से होते हैं, तो वो कहता है किसी भी देश की संस्कृति तीन स्तंभ पर टिकी होती है, तीन खंभे हैं संस्कृति को टिकाने वाले। पहला खंभा है विचार, आपका विचार क्या है, जीवन का दर्शन क्या है। जैसे हमने कहा ना अहिंसा, ये हमारा जीवन दर्शन है, इसी में से विचार निकलेंगे। तो पहला खंभा होता है विचार, दूसरा खंभा होता है आचार, उस विचार को धारण करते हुए जो आचरण हम करते हैं वो दूसरा खंभा आचार, और तीसरा और आखिरी खंभा होता है वो है आहार,